हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिज़ाइन एंड नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा पेंट प्लाजो का एकदम नया डिज़ाइन। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही बारीकी से बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक काम करना है आपको, एक पट्टी लेनी है। ये देखिए, कम से कम 1 मीटर लंबी मैंने ये वाली पट्टी ली है और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है मैंने ली है 2.5 इंच की। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पैंट की मोरी में हमने ये वाली फ्रिल लगानी है और ये फ्रिल मैंने कम से कम 1 मीटर लंबी ये ले ली है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 2.5 इंच की ली है। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई ले ली है। और क्या करना है, पैंट की मोरी को ऐसे रखेंगे और ये हमने रखनी सीधी साइड। ठीक है, सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। उसके बाद ये देखिए, फ्रिल को ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए ये देखिए, प्लेट हमने यहाँ पर छोटी सी प्लेट डालनी है और उसके बाद एक प्लेट और 1/2 इंच की दूरी पर। ये देखिए दोस्तों, पैंट प्लाजो की मोरी में मैंने ये फ्रिल लगाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले इसके ऊपर हमने इंटरलॉक कर देनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इंटरलॉक कर दी है। उसके बाद ये देखिए, फ्रिल को ऐसे पलटना है और यहाँ पर हमने लगानी है एक किनारे की सिलाई। इसके कॉर्नर पे हमने ये वाली सिलाई लगानी है। देखिए, एक सिलाई मैंने लगा दी है, इसके साथ में हमने एक पैर की सिलाई और लगानी है। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, यहां से ये देखिए, ये वाली जो सिलाई है 1 इंच ऐसे रखना है और ये निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच का बीच में से भी लगा लीजिए, ये वाली सिलाई से 1 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, यहां पर भी 1 इंच का निशान हमने लगाना है। ये देखिए, 1 इंच का निशान मैंने लगा दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें लगानी हमने पिन टैक्स और ये देखिए, इसे हमने ऐसे पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से करते हुए, इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये वाली सिलाई मैंने लगाई है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आधा, अब इसमें क्या करना है, हमने ये देखिए, एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ से 1/2 इंच से भी कम एक पिन टैक्स और डालनी है। बस इतना सा मार्जिन लेना है ये देखिए। ठीक है, इतनी सी दूरी। ये देखिए, 2 पिन टैक्स मैंने इसमें डाल दी है। अब क्या करना है, एक पिन टैक्स और लगानी है। ये देखिए, उतनी ही दूरी लेनी है आपने जितनी इसमें ली थी। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखिए, 3 पिन टैक्स मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ से ये वाली जो सिलाई दिख रही है आपको, यहाँ से 1, 2, 3, ये 3 पिन टैक्स के बाद 1 इंच का निशान आपने इस प्रकार से लगाना है और यहाँ से भी 3 इंच का। अब ये देखिए, एक निशान हमने यहाँ लास्ट में लगाना है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने निशान लगा दिया। अब फिर हमने एक बार क्या करना है, इस प्लाजो को इस ऐसे रखना है उल्टा। ठीक है, उल्टी तरीके से रखते हुए इसे ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा निशान और यहाँ पे हमने लगानी है पिन टैक्स। ये देखिए, पिन टैक्स लगा दी। ठीक है, उसके बाद इसे ऐसे सरकाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने खाली एक पैर की पिन टैक्स लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये पिन टैक्स भी मैंने डाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा और सरकाना है ऐसे प्लाजो पैंट को और ये देखिए, एक पैर की पिन टैक्स और डालनी है हमने।
ये देखिए 203 पिन टैक्स डाल दी हैं। अब क्या करना, ये वाली जो लास्ट वाली पिन टैक्स है यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना आपको। ये देखिए पिन टैक्स के लिए मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करना, फिर से ऐसे पलटा जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से पलटते हुए हमने इस वाले कपड़े को ऐसे करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने पिन टैक्स डालनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने पिन टैक्स डाल दी है। अब क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हैं, एक पिन टैक्स और डालनी है हमने। ये देखिए दोस्तों, तीन तीन पिन टैक्स मैंने इसमें डाल दी है। अब क्या करना है, यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से आपने एक इंच टेप को रखना है और 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और इस पिन टैक्स से 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए 1 इंच पे और 2 इंच पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी निशान लगाना है, ये 2 इंच पे और ये 1 इंच पे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब इस वाले एरिया में भी हमने इसी प्रकार से लगाना है। ये देखिए जो लास्ट की पिन टैक्स है, ठीक है, और ये वाली पिन टैक्स, इसके बीच में इंची टेप को इस प्रकार से रखेंगे, एक निशान में 2 इंच पर, एक 1 इंच पर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखिए ये वाले निशान मैंने लगा दिए हैं। प्लाजो पैंट को उल्टा करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और इसे ऐसे पलटते हुए पहले हमने इसके अंदर एक पैर का मार्जिन लेना है। ये देखिए इतना मार्जिन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक पैर का मार्जिन लेना है हमने, सॉरी आधे पैर का मार्जिन लेना है, इतना, जितना कि हमारा ये वाला बूट आ रहा है इतना ही मार्जिन हमने लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने इतना मार्जिन लिया है, ठीक है। इस प्रकार से अब ये देखिए हमने ये वाला जो निशान लगाया है इसके ऊपर भी ऐसे ही पिन टैक्स डालनी है, एक पैर का, आधे पैर का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी पिन टैक्स मैंने यहाँ पर डाल दी है। इसी प्रकार से ये देखिए एक पिन टैक्स यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, ऐसे ही हमने सेम इसमें भी पिन टैक्स डालनी है। ये देखिए दोस्तों, पिन टैक्स मैंने डाल दी ये वाली, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, उसके बाद 4 इंच का एक निशान लगेगा और 4 इंच का यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 इंच का, ठीक है, फिर उसके बाद 4 इंच का, इस प्रकार से आपने निशान लगाना है। और इसमें भी ये 1.25 पे, फिर उसके बाद 4 इंच पे, फिर एक 4 इंच का, ये देखिए 4 इंच के हिसाब से मैंने ये निशान लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे इस प्रकार से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और इसे भी ऐसे रखना है। चलिए मशीन पर चलते हैं। अब ये देखिए इस वाले मार्जिन को दोनों को इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर भी हमने एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई, आप अपने सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर भी हमने थोड़ा पक्का किया, यहाँ पर भी इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगानी है, इस वाले मार्जिन को इधर और इसको इधर, और ये सिलाई यहाँ से लगानी है। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इसे ऐसे करते हुए यहाँ पर भी सिलाई और यहाँ पर इस वाले इन मार्जिन को भी आपस में मिलाते हुए सिलाई, ठीक है, और यहाँ पर भी, और यहाँ से आपने इसे इस प्रकार से ऐसे खोलना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पक्का करने के बाद मैंने प्रेस से इसे इस प्रकार से फोल्ड किया है, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, इसका मार्जिन इस तरफ करते हुए यहाँ पर ये प्रेस लगानी है, ठीक है,
अब इसे भी इसी तरीके से करना है। ये पहले ऐसे था, ठीक है, तो मैंने इसे इस प्रकार से इसे खोल दिया है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपने इस प्रकार से आपने मोती लेने हैं, इस पर लगाने हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, इस जगह पर हमने ये लगाना है मोती, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके अंदर ये मोती लगाने हैं सुई धागे की मदद से। तो ये वाले मोती मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। दोस्तों पैंट प्लाजो में मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मुझे तो लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।